लखीमपुर में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा के साथ मारपीट मामले में समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। इस पूरे मामले पर सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि इस सरकार में निष्पक्ष चुनाव छोड़िए निष्पक्ष पर्चा भरना भी संभव नहीं है। शिवपाल यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि सरकार चुनाव में भी अपने हिसाब से खेल खेलती है, ऐसे में निष्पक्षता की उम्मीद करना बेकार है। इस सरकार में निष्पक्ष चुनाव छोड़िए निष्पक्ष पर्चा भरना भी संभव नहीं है। शिवपाल यादव के साथ ही इस मामले में समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा है कि अन्याय हिंसा को जन्म देता है। बीजेपी विधायक द्वारा की गई धांधली से गुस्सा अवधेश ने जो किया है वो चर्चा का विषय बन गया है। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होना लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। चुनावी धांधली बीजेपी की रणनीति बन गई है, ये निंदनीय है। विधायक के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस का कहना है कि दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था, दोनों पक्षों को शांत करा दिया गया है, अब स्थिति सामान्य है। उधर विधायक योगेश वर्मा का कहना है कि कॉरपोरेटिव बैंक का चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा है, इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक का आरोप है कि जिला बार संघ के अध्यक्ष अर्बन कॉरपोरेटिव बैंक के प्रबंध समिति के चुनाव में धांधली करके अपनी पत्नी को चेयरमैन बनवाना चाहते हैं। दरअसल अवधेश सिंह की पत्नी पहले भी अर्बन कॉरपोरेटिव बैंक के प्रबंध समिति की चेयरमैन रह चुकी हैं। बैंक के लगभग 10,000 से ज्यादा शेयर होल्डर वोटिंग के जरिए डेलीगेट और चेयरमैन चुनते हैं। इसको लेकर बुधवार से नामांकन होना था, वहीं 10 अक्टूबर नामांकन वापसी की तारीख है। दरअसल लखीमपुर खीरी में अर्बन कॉरपोरेटिव बैंक प्रबंध समिति के चुनाव के लिए बुधवार को नामांकन प्रक्रिया चल रही थी। इस दौरान कॉरपोरेटिव चुनाव की पूर्व अध्यक्ष पुष्पा सिंह के पति एडवोकेट अवधेश सिंह और उनके समर्थकों ने बीजेपी विधायक योगेश वर्मा के साथ पुलिस के सामने ही मारपीट शुरू कर दी। बीजेपी विधायक योगेश वर्मा के साथ मारपीट का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें अवधेश सिंह को विधायक को थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद योगेश वर्मा भी भड़क उठे थे और अवधेश को मारने के लिए भड़ते हैं। तभी अवधेश के समर्थक वहां पहुंच जाते हैं और पुलिस के सामने ही उनके साथ बदसलूकी करने लगते हैं।